कोई भी चीज़ खाना वगैरह जो भी पानी हो खाना हो कुछ भी हो वो गर्म करना है। स्टार्ट हम एक बार प्रेस करेंगे यहाँ पर 30 सेकंड है, हम जितने बार प्रेस करेंगे 30 सेकंड बढ़ता जाएगा हमारा बस। अगर हमको खाना गर्म के लिए हुआ है या नहीं फिर हमको चेक करना है, मैंने खाना गर्म हुआ नहीं हुआ, हम ये स्टॉक नहीं थे स्टॉक करके हम ओपन करके हम चेक कर सकते हैं मैंने खाना गर्म हुआ या नहीं। फिर बन के यहाँ पर आएगा मेरा खाना गर्म और होना चाहिए तो वो होना चाहिए, हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से चलेंगे। अगर आपको लगता है मैंने खाना गर्म हो गया हमको बंद करना है हम स्टॉक है ना इसको दो बार प्रेस करेंगे तो क्लियर होगा, दो बार प्रेस करके क्लियर में बाहर आ जाएंगे। ये हो गया माइक्रो। माइक्रो में क्या है इंडियन खाना कुछ भी दाल चावल सब्जी कुछ भी बना सकते हैं आप। एक बार प्रेस के 900 टेम्परेचर आएगा, फिर प्रेस के 720 540 360 180 मिनिमम 180 टेम्परेचर है हमको खाना बनाने का चावल बनाने का सपोज हमको टाइमिंग आइडिया नहीं टेम्परेचर 180 टेम्परेचर लिए फिर हम जितना देना होगा टाइमिंग एक बार हम दे देंगे जो भी देना हो 20 मिनट के लिए फिर हम स्टार्ट कर दिया चावल आपका पकड़ा चाहिए अगर आपको चेक करना रहेगा तो उसी तरह स्टॉप करके ओपन करके हम चेक कर सकते हैं। फिर हम हमको लगा मेरा चावल पकने चाहिए स्टार्ट करेंगे वहाँ से चल डबल से प्रेस करेंगे प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। ये हो गया ग्रिल, ग्रिल में तो रोस्टिंग का एक मिनट माइक्रो का ही पूछती हूँ, अगर बाहर से समोसा वड़ा कुछ भी लेकर आएंगे तो माइक्रो में अगर गर्म करने का है डायरेक्ट हम यहाँ से टाइमिंग दे सकते हैं नॉर्मली गर्म के लिए डायरेक्ट घंटे टाइमिंग देंगे जितना दिन होगा फिर हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रो से जो बर्तन होता है ना मैम जो मॉल वगैरह में जाएंगे वो बोलेंगे कि मेरे को माइक्रो से बर्तन चाहिए बोरोसिल कहते हैं वो सब दे देगा आपको। अच्छा स्टील का अगर जर्मन का एल्यूमिनियम का नहीं रख सकते नहीं स्पार करेगा। अच्छा प्लास्टिक का भी नहीं रख सकते प्लास्टिक रखते हैं बोरोसिल कहते हैं माइक्रो से बर्तन होता है ये लो रहते हैं ये हाई रहते हैं बाद में काट दीजिएगा इसको ये ग्रिल में चलेगा। अगर हम चिकन वगैरह जो भी रोस्टिंग करना हो तो ये ज़्यादा करना तो हाई पर रखेंगे कम करना तो लो पर अगर ज़्यादा तो हम दोनों का रख सकते हैं नीचे ऊपर करते हैं। फिर हम बन के ग्रिल प्रेस की ग्रिल में टेम्परेचर नहीं होता डायरेक्ट हम टाइमिंग देंगे डायरेक्ट यहाँ से हम टाइमिंग भी जितना देना हो फिर हम स्टार्ट कर देंगे हम प्रोटेक्ट करेंगे फिर हमको चेक करना उसी तरह हम स्टॉप करके ओपन करके हम चेक कर सकते हैं। फिर बन के फिर हम स्टार्ट किए वहाँ से चल रहे डबल से प्रेस की क्लियर हुई है उस प्रोग्राम से बाहर आए ये सब निकालेंगे ना तो ग्लास पेंट निकालेंगे ना हर जगह वही से जाता है जैसे पनीर का टिक्का वगैरह हो गया रोस्टिंग करना है इसमें हम फंसा सकते हैं ये मैंने फंसा दिया ये भी ग्रिल में ही चलेगा ग्रिल प्रेस किया टाइमिंग कितना देना वो दिए फिर हम स्टार्ट करेंगे और रोटेट करेगा फिर इसी सुबह ठीक है। फिर हम उसी तरह स्टॉप करके ओपन करके हम चेक करेंगे फिर बन के अगर और रोस्टिंग करना है तो हम स्टार्ट कर देंगे वहाँ से चलेंगे डबल से प्रेस करेंगे ये जो निकालने के लिए ये भी निकालने के लिए कंडेंसेशन की हाईएस्ट टेंपरेचर कितनी होती है जैसे कंडेंसेशन प्रेस किया ना 180 टेंपरेचर है इसका हाईएस्ट इसकी टेंपरेचर आपको 180 डिग्री आएगा इसका हाईएस्ट टेंपरेचर 230 से मानेंगे 230 है बराबर। अगर हमको सब केक बनाने का
हम क्या करेंगे, कम्बेक्शन प्रेस करेंगे 180 पे मिलता है, और हम स्टार्ट हम दो बार प्रेस करेंगे, इधर जाने की जरूरत नहीं, एक बनाने के लिए कंडक्शन में जो प्रेस करते हैं 180 टेम्परेचर रहता है, फिर हम स्टार्ट के बाद प्रेस करते हैं फ्रीज होने के लिए। जब 180 डिग्री पर जो फ्रीज हो जाएगा तो एक बीप का साउंड आएगा। कितने टाइम के बाद? वो टाइमिंग की सेटिंग रहता है आपको, देखने 5 मिनट 10 मिनट 5-7 मिनट। जब वो बीप का साउंड आएगा फिर हम स्टॉप करेंगे, एक तो बर्तन में रखे तैयार रहे अंदर रख देंगे, फिर हम यहाँ से 40 मिनट के अंदर टाइमिंग लेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। एक आपका 40 मिनट का बनकर तैयार है, यहाँ से टाइम देना बंद कर दो। अभी चलो तो मेरे को फ्रीज चलो नहीं अंदर रह देंगे, फिर हम बंद कर देंगे, फिर यहाँ से हम 40 मिनट का टाइम देंगे। PS1 आया ना, फिर आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, यहाँ पर लीटर पूछेगा कितना है, 2 है, 1 है, 1.5 है, 1.5 मान लीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। उसके बाद ये नहीं चालू करने के बाद स्टार्ट करने का। हाँ, स्टार्ट कीजिए, फिर ये पूछेगा आपसे मार्केट का, जैसे हम दुकान वगैरह से लगाएँ या फिर फ्रिज से निकालें। अच्छा, दुकान से लगेंगे तो 25 टेम्परेचर हो जाता है नॉर्मल, अगर फ्रिज निकालें तो फ्रिज का टेम्परेचर 4 होता है। अगर मार्केट है तो 25 देंगे, फिर हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे टाइमिंग ऑटोमेटिक रहेगा, उतना मिनट में दूध उबल के बन जाएगा, मैं तो दूध बाहर आएगा नहीं, अंदर भी से दूध गर्म। फ्रिज से निकाला हुआ था चार रखेंगे, जो है मन स्टार्ट कीजिए, चार टेम्परेचर देंगे, फिर हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लेगा। नॉर्मल हमको कोई भी चीज़ खाना गर्म करना हो डायरेक्ट हम यहाँ से टाइमिंग दे देंगे, जितना देना हो फिर हम स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इधर स्टार्ट करके। माइक्रोवेव की 1 ईयर की वारंटी है, अगर आपको ज़्यादा